दोस्तों यदि आपको विराट कोहली की मैदान में गाली गलौज करना अच्छा नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में विराट को गाली दे डालो और हार्दिक पांड्या के लिए लाइक कर दीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला लेने वाली भारतीय टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन का रते हुए कंगारू टीम के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मेहमान ऑस्ट्रेलिया टीम ने 18.4 ओवर के खेल समाप्त होने तक 118 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे, पर मैच में कोहली का रोटर रूप देखने को मिला। मैच के दौरान एक हैरान करने वाली घटना उस वक्त घटी जब भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी की छोर पर थे। छठे ओवर की चौथी गेंद को जब गेंदबाज पांड्या ने बल्लेबाजी के क्रीज पर मौजूद रन फी चर को शॉर्ट पिच गेंद डाली तो बल्लेबाज ने जबरदस्त तरीके से गेंद को हिट करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर शॉट खेल दिया। हार्दिक पांड्या द्वारा डाली गई खराब गेंद पर पड़ने वाले चौके के कारण मिड विकेट पर खड़ा कप्तान कोहली भड़क उठे और गुस्से में मैदान पर ही पांड्या की क्लास लग दी। कोहली कैमरे में साफ साफ हार्दिक पांड्या को गंदी गाली देते नजर आ रहे थे। गाली सुनकर पांड्या फील्डिंग करने के लिए चले गए। भारतीय टीम के लीजेंड क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जाने वाले सीरीज के पहले T20 मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मेहमान ऑस्ट्रेलिया टीम को कम स्कोर पर ही रोक दिया। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2 रन 2 विकेट लिए। वहीं हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर की गेंद डालकर 8.2 की औसत से कुल 1 विकेट दिए, जिसमें 33 रन खर्च किए। वहीं दूसरी तरफ युवा स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी कंगारुओं के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी की और 4 ओवर में 5.8 के औसत से कुल 23 रन दिए और एक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज को चलता किया।